एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल मशरूम चिली की रेसिपी। ये मम्मा हमारे लिए बचपन में बनाती थी और हमें बहुत मज़ा आता था। मैंने हाथ जला लिया था इसलिए मम्मा मिलने आई थी और मम्मा ने बोला कि चल कुछ चटपटा बना देती हूँ। तो पहले तो मम्मा ने 250 ग्राम मशरूम लिए है, उसमें ना आटे का जो होता है ना गेहूँ का आटा, उसे डाल के अच्छे से उसे स्क्रब करना है, जिससे कि ना वो मशरूम के ऊपर जो भी मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है। फिर इसे दो पानी से आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, पहले गुनगुने पानी से और फिर ठंडे पानी से। फिर हमारे मशरूम एकदम क्लीन हो जाते हैं। फिर उनके डंठल कट कर लेने हैं और बीच में से इसे चीरा लगा देना है। पूरा का पूरा मशरूम रखो तो थोड़ा बिलबिला लगता है, क्रिस्पी बनाने के लिए दो भाग कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे एक चम्मच हम कॉर्नफ्लावर, नहीं एक चम्मच मैदा डालना है, दो चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। और फिर इसे अच्छे से पानी का छीटा डाल के, लाल मिर्च डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए पहले हमने डाले थे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच यहाँ पे मैदा डाल दिया है, एक चम्मच जिंजर गार्लिक का रेडीमेड पेस्ट यूज़ कर सकते हो आप। फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है। हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या तीखी लाल मिर्च आपके तीखे के हिसाब से, नमक स्वाद अनुसार डालना और तेल डाल देंगे कि जिससे कि हमारे सारे मसाले इसे अच्छे से कोट हो जाए। दो से तीन चम्मच तेल डाल देना और फिर चम्मच से और हाथों से दोनों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले तो चम्मच से मिक्स कर लो और फिर पानी का छीटा डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो। डीप फ्राई करते वक्त याद रखना है तेल का टेम्परेचर, पहले हाई टेम्परेचर पर हमें तेल को गर्म कर लेना है। फिर जैसे आप मशरूम डालोगे टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है, मीडियम, लो फ्लेम पे नहीं डालने हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऐसे भी आप खाओगे ना तो इतने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार लगते हैं ना कि पूछो ही मत। तो ये देखिए पहले तो मम्मा ने देख लिया कि तेल गर्म हुआ है या नहीं, तो टेम्परेचर थोड़ा कम था तो मम्मा ने बाद में फिर मशरूम डालना स्टार्ट कर दिया। देखिए एकदम हाई टेम्परेचर पर हम मशरूम नहीं डाल रहे, तेल को अच्छे से गर्म करना है, बट जब आप मशरूम डालोगे ना तो उसका टेम्परेचर कम रखना, क्योंकि हम वन बाय वन मशरूम डालते हैं। तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो पहले जो आपने मशरूम डाले वो एकदम लाल बूंद ऐसे एकदम लाल लाल होके फ्राई हो जाएंगे और जो बाद में डाले हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सारे मशरूम एक जैसे क्रिस्पी हो, तो इसलिए टेम्परेचर मीडियम रखना। और फिर एक बैच इसे डाल दिया है और जब आपको लगे कि हाँ अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है तो इन्हें छान के निकाल लेंगे। ये देख ये हमारे मशरूम क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, अभी इन्हें निकाल लेते हैं। ये ना मुझे ऐसे ही खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मशरूम चिली बना रहे हैं इसलिए उसको तड़का बनाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही फ्राई करके खा लेती हूँ यार, बड़े मज़ेदार से लगते हैं। आप ना एक बार ज़रूर ट्राई करना ऐसे भी खा के, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई होने के बाद इन्हें छान के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जब भी मम्मा खाना बनाती है तब वीडियो बनाना बड़ा दिक्कत का काम होता है, बिकॉज एंगल ही नहीं मिलता है, वो अपने हिसाब से करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि मैं कैमरा पकड़ के खड़ी हुई हूँ या कुछ। उनको सिर्फ खाना बनाने से मतलब होता है, शूट करने से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे वीडियो। तो ये देखिए ये बन के रेडी है, दूसरा बैच भी तल लिया है मम्मा ने। अब ना हम इसके तड़के के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे शिमला मिर्च ले ली है, एक छोटी शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ा सा हरा लहसुन ले लिया है, अदरक ले लेंगे 1.5 इंच और एक बड़ा प्याज या छोटे छोटे 3 प्याज यूज़ कर सकते हो, वो नहीं बेबी प्याज आते हैं अपने चाइनीज़ के लिए वो वाले। फिर हम तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। फिर इसमें मम्मा ने क्या किया, पहले हरी लहसुन डाल दी है, फिर उसमें प्याज डाल दिया है, फिर अदरक डाल देंगे। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डालनी है और फ्लेम को एकदम हाई रखना है, ठीक है ना। हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें सिर्फ 30 सेकंड के लिए अच्छे से टॉस करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची ही चिली में अच्छा लगता है। तो हल्का हल्का हम इन्हें अच्छे से टॉस्ट कर लेंगे और जब हमें लगे कि हाँ 30 सेकंड हो चुके हैं तब हम इसमें सॉस ऐड कर देंगे। सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है अपना चिली चिंग सॉस, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने सोया सॉस और 2 टेबल स्पून डाला है टमाटो केचप। आप चाहो तो यहाँ पे आप शेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हो अगर स्पाइसी खाना पसंद हो तो। नमक स्वाद अनुसार से थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि हमने जब मशरूम फ्राई किए थे उसमें भी नमक पड़ा है, तो ये दोनों चीज़ें और जो विनेगर या फिर सोया सॉस हम डालते हैं ना वो भी खट्टा होता है, तो उससे ना नमक ज़्यादा तेज़ ना हो, इसलिए हमेशा नमक ध्यान से डालिएगा जब भी आप कोई भी चाइनीज़ की डिश बनाओ। तो यहाँ पे देखिए मम्मा ने सॉस डाल दिया, वो स्पून से भी निकाले थे, मुझे शॉट लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बट खाना अच्छा मिल रहा है तो शॉट लेने में थोड़ी सी दिक्कत चल जाती है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, हाई फ्लेम पे ही पकाना है, ठीक है ना। हाई फ्लेम पे इन्हें पका लेंगे और फिर जब हमें लगे कि हाँ सॉस थोड़ा सा हमारा अच्छे से कोट हो चुका है तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए मशरूम और इन्हें भी अच्छे से टॉस्ट कर लेंगे और दैट्स इट। ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल एकदम चटपटी मशरूम चिली बनके बिल्कुल रेडी है। एकदम ईजी सी रेसिपी है, आप चाहो तो वेजिटेबल्स कम ज़्यादा कर सकते हो, चाहो तो सॉस भी कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने स्वाद अनुसार आप इस रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हो। एक बार तो ज़रूर बना के देखना, जिन जिनको मशरूम पसंद है ना ये रेसिपी
बनाना ज़रूर बनता है, आप बिना सॉस के भी, मतलब जो हमने ये तड़का मारा है ना ऊपर से, इसके बिना भी सिर्फ फ्राई करके खा के देखो यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी देखनी है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगी। और अच्छी चीज़ें खाइएगा, जंक फूड कम खाइएगा, और खा रहे हो तो फिर मज़े से खाइयो, किसी चीज़ का ध्यान मत देना कि यार मोटा होगा, ये होगा, वो होगा, खाना है तो मज़े से खाना है, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।